हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मेरे वीडियो है वो है ऑर्गेनिक रूट हार्मोन्स के ऊपर पे। जैसे कि आप दूसरे वीडियो भी देखते होंगे या नर्सरी भी जाते होंगे तो एक वाइटिश कलर का जो पाउडर है वो कोई भी कलम से अगर जो हम पौधे तैयार करते हैं तो उसके टिप पर, उसके इंड्स पर लगाकर उसे मिट्टी में या मिट्टी के पॉट्स उसमें पॉट्स में लगाया जाता है, दबाया जाता है ताकि जड़ उसमें जल्दी से जल्दी निकले, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से रूट हार्मोन्स घर पर ही तैयार कर ले तो उसकी क्या बात होगी। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के एंड पे आपको मेरे चैनल का आइकॉन दिखेगा जिसे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए ऑर्गेनिक रूट हार्मोन्स के लिए। तो ऑर्गेनिक रूट हार्मोन्स के लिए हम यूज़ करेंगे एलोवेरा का। एलोवेरा जो जनरली है हमारे घरों पे मिल जाता है, सभी के घरों में रहता है। इसका यूज़ हम स्किन के लिए या जूस के लिए करते हैं। तो इस एलोवेरा जेल का यूज़ हम लोग किसी भी फ्लावर प्लांट के लिए जो कि कलम से तैयार किए जाते हैं उनके लिए रूट हार्मोन के लिए, रूट हार्मोन के रूप में उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यही है कि इसका जूस निकाल लीजिए, इसका गूदा निकाल लीजिए और किसी एक पॉट में रख कर आप उसमें अपने जो फूल फ्लावर के जो तने हैं, जो कटिंग है, कलम है, उसको आप उसमें 5 मिनट कम से कम डिप करके रख दीजिए। जैसे कि आज जो है हम गुलाब के जो तने हैं मैंने काट लिए हैं, उसके कलम लिए हैं, कटिंग लिए हैं और उसको मैं लगाने जा रहा हूँ, जिसके लिए रूट हार्मोन के रूप में मैं एलोवेरा का यूज़ कर रहा हूँ। एलोवेरा में जो है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है और ये जो है ये हमारे जो फ्लावर के, फूल के, पौधों के जो तने हैं, कलम हैं, कटिंग्स हैं, उनमें फंगस नहीं लगने देता है। तो आपको करना क्या है कि किसी एक पॉट में, किसी एक बाउल में ध्यान रखिए कि जब भी आप रूट हार्मोन्स का यूज़ करें या किसी भी पौधे को आप क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं कहीं पर रात भर के लिए या 10 मिनट 5 मिनट के लिए या रूट हार्मोन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है मेटल के बाउल्स वगैरह जो है यूज़ नहीं करने, आपको कांच के या प्लास्टिक के कप या बाउल्स आपको यूज़ करने हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि ये मैंने पूरा जूस निकाला हुआ है एलोवेरा का, जूस निकाल कर मैंने उसको क्या कर लिया है, थोड़ा सा पतला कर लिया है, इसका गाढ़ापन कम कर लिया है। गाढ़ापन कम करने के लिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ताज़ा साफ पानी हल्का सा इसमें मैंने ऐड कर दिया है और ये मैंने जो अपने गुलाब के कटिंग्स हैं इनको इसमें 5 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दिया है। अब इसके बाद फिर मैं इनको लगाऊंगा। तो इस तरीके से आप भी ऑर्गेनिक रूट हार्मोन का बिना खर्चा किए हुए घर पर ही बना सकते हैं और अपनी किचन गार्डनिंग के लिए, टेरेस गार्डनिंग के लिए या कोई भी अगर गार्डनिंग करते हैं आप या नर्सरी है आपकी तो इसका यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल यूज़ करके देखिए। मेरा चैनल जो है बेसिकली ऑर्गेनिक और रिसाइकल्ड चीज़ों पे, जीरो कॉस्ट पे आप अपने घर पे गार्डन कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बेस पे है। मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको अगर पसंद आए, अगर कोई आपके पहचान में गार्डन लवर हो तो उनको शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए भी कह सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने इस रोज़ प्लांट की कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपके वीडियो को इस वीडियो में एंड में शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को देखना ना भूलें। आपका अगर कोई क्वेरी हो इसके बेसिस पे, इस वीडियो के बेसिस पे, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट्स करें। थैंक यू।